इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पास इम्फेटिक सेंटेंसेस का। इम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? लफ्ज़ इम्फेटिक से समझ आ रहा है कि ये लफ्ज़ एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि कुछ चीज पर जोर देना, शिद्दत करना किसी चीज पे। अच्छा, जिस तरह की मैं बोलूँ कि यार मैं उठता हूँ, आई वेक अप, सही। अगर इस तरीके से मैं बोलना चाहूँ कि मैं उठता तो हूँ एम्फेसाइज करके, तो मैं सिंपल डू लगा दूंगा इसके साथ, सही। आई के साथ डू लग जाए, ठीक है, साथ डज लगा देंगे, सही। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं उठता तो हूँ आई डू वेकअप, सही है, मैं उठता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि वो आता तो है ही डज कम, सही है। इस तरीके से बोलेंगे मैं याद करता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ, कैसे बोलूँ आई डू लर्न, सही है। मैं इस तरह अगर ये बोलना चाहूँ कि वो जाती तो है, कैसे बोलूँ मैं शी डज गो, ठीक है, ये समझ में आ गई। इस तरीके से डब्ल्यू एच क्वेश्चनिंग्स हैं, जैसे कि मैं बोलूँ हु पेज यू, तुम्हें कौन अदा करता है, सही है। डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है? कौन, हु, सही है, इसका मतलब हु। अगर इसको मैं इस तरह बोलूँ हु डू यू पे, तुम किसे अदा करते हो, सही है। इसमें डिफरेंस याद रखिएगा आप लोग का, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। वेयर डू यू पे, तुम कहां अदा करते हो, सही है। इसी के साथ बोलूं तुम्हारी कौन सी बुक है, विच इज योर बुक। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, सही है। इस तरीके से बोलूं तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, सही है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझदार अच्छा समझ में आया। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी कंफ्यूजन या पूछना चाहता हूँ अपने फ्रेंड भी अपना फीडबैक दें। अगर बहुत सारा ख्याल रखिएगा।